शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रि में महानगर के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। नवरात्रि का पर्व शुरू होने उसको लेकर के तमाम जी साल का ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मूर्तियां रखी जाती हैं, जागरण होते हैं, बहुत सारे पंडाल बनाए जाते हैं, यात्राएं निकाली जाती हैं और एक बहुत बड़ा विस्तृत बंदोबस्त किया जाता है। और इसमें मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा, लोग मिल करके भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इन त्यौहारों को मनाएँ। पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। अभी हमने मुहर्रम और बाकी बहुत सारे गणेश चतुर्थी त्यौहार वगैरह हमने अच्छे से मनवाए हैं और हम आगे भी इसी तरह से मेहनत करके हमारी गोरखपुर पुलिस सभी की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। कुछ अराजकत्व तो भी होते हैं जो पंडालों पे जाकर से उपद्रव करते हैं, इस तरह का उसके लिए कुछ? जी बिल्कुल, हमारी एडवांस मीटिंग सभी के साथ हो रही है। ग्राउंड लेवल पर हमारा स्टाफ हर आयोजक के साथ टच में है और हम आयोजकों से भी ये विनम्र अनुरोध करेंगे कि वो फायर सर्विस की सुविधा, बिजली से बचाव की सुविधा, पंडालों की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, रूट, इन सब के बारे में अपने तरफ से भी सावधानियां रखें और पुलिस को पूरी तरह कोऑपरेट करें।